स्वागत है दोस्तों आपका भारत भाग्य विधाता में। आज दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, इंडियन नेवी अपनी पांचवी डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी को अगले सप्ताह कमीशन करेगी, जिसका नाम INS वागीर है। इस श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी इस साल के अंत तक इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगी। भारत ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के लिए 2005 में फ्रांसीसी कंपनियों के साथ 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट 75 परियोजना के लिए डील साइन की थी। INS वागीर स्कॉर्पियन यान की एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। यह किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसके लिए आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस यह पनडुब्बी खुफिया जानकारी एकत्रित करने के साथ साथ समुद्र में बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया ताकि ये हर समय और हर परिस्थिति में काम कर सके। कलवारी क्लास की इस पनडुब्बी की ऊंचाई तकरीब 40 फीट और लंबाई तकरीबन 220 फीट है। इसमें एक डीजल इंजन है और विकल्प के तौर पर 360 बैटरी सेल्स भी लगे हैं। खास बात ये है कि पानी की सतह पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन पानी के अंदर इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह सबसे कम समय में बनने वाली भारतीय पनडुब्बी है। इन स्वागीर की गति ही इसकी परफॉर्मेंस को तय करती है। यह पानी के अंदर लगातार 50 दिन तक रह सकती है और 350 फीट गहराई तक जा सकती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गति ऊपर नीचे करने से इसकी दूरी घट बढ़ सकती है। वागीर में 8 सैन्य अधिकारी और 35 जवान तैनात किए जा सकते हैं। इसका वजन तकरीबन 1500 टन है। INS वागीर में एंटी टॉरपीड काउंटर मेजर सिस्टम भी है। इसके अलावा इससे एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। यह पानी के अंदर 30 समुद्री बारूदी सुरंग बिछा सकती है। इसके अलावा यह समुद्र में दुश्मन की निगरानी करने में भी सक्षम है। इससे पहले वागीर को 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था और इसने गश्त सहित कई परिचालन मिशन संचालित किए थे। लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जनवरी 2001 को पनडुब्बी का सेवा मुक्त कर दिया गया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 23 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में INS वागीर की कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मैसर्स नेवल ग्रुप ट्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक्स ओंडील में चल रहे इस प्रोजेक्ट 75 में भारी लागत और समय की वृद्धि हुई है। INS वागीर को साइलेंट किलर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सबमरीन बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देती है। साथ ही यह स्टीथ तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से यह आसानी से रडार की पकड़ में भी नहीं आती। INS वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। इस सबमरीन में 533 mm के 8 टारपीडो ट्यूब हैं, जिनमें 18 टारपीडो मिसाइल लोड की जा सकती हैं। यह सबमरीन एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस है। इस सबमरीन की खूबियों को देखते हुए इसे सैंड शार्क भी कहा जाता है।